तो गाइस हम बात कर रहे थे कि आप किस तरीके से यहाँ पर फोटो की साइज एंड हस्ताक्षर की साइज मतलब सिग्नेचर की साइज आप कैसे अपलोड कर पाएंगे। जब भी आप अपनी फाइल को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर काफी सारा एरर आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का प्रकार JPG और साइज जो है आपको 200 KB के अंदर मांगा है। यहाँ पर मैं जो है फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ 200 KB की अंदर की। सबसे पहले हम ये जो फोटो है इसकी जो है डायमेंसी देख लेते हैं। देखिएगा, इस पर राइट क्लिक करके मैं जो है इसकी प्रॉपर्टीज पर चलता हूँ और प्रॉपर्टीज पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फाइल का जो है टाइप है, देखिएगा JPG फॉर्मेट में है और इसकी जो साइज है देखिए 18 KB में है। तो इसे मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली मैंने जो इस पर क्लिक किया ओपन, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड का ऑप्शन है। सिंपली मैंने जो इस पर क्लिक किया तो देखिए ये जो फोटो है यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही। यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज सा और एरर सा दिखाई दे रहा है, प्लीज अपलोडेड वैलिड फाइल। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर फोटो अपलोड की और ये जो फोटो है यहाँ पर अपलोड नहीं हुई, मतलब ये कि फोटो की साइज में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसी कारण ये जो फोटो है अपलोड नहीं हुई है। फोटो की सही साइजिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करना होगा। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर दोनों चीजों को स्कैन कर लिया और इनकी सही साइजिंग वगैरह भी मैंने बना ली है। बस मैं आपको इमेज की साइज और यहाँ पर सिग्नेचर की साइज आपको दिखाने वाला हूँ, इनकी सही साइजिंग क्या होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इमेज की साइज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेडिड में है 646 पिक्सल और हाई में आप देख सकते हैं 807। इन दोनों को आपको पिक्सल मोड पर रखना होगा और वैसे स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, इसी साइज में आपको बनाना होगा। और इसकी रेगुलेशन आप देख सकते हैं 72 मतलब 72 आपको इसकी रेगुलेशन रखना होगा फोटो की। एक बार पुनः मिलान कर लीजिएगा, यहां पर आपको वेडिट में रखना होगा 646 और हाई में आपको रखना होगा 807 और रेगुलेशन आपको रखना होगा 72। ये दोनों चीजें आप एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको इसी तरीके से रखना होगा, तभी जो है आपकी इमेज जो है अपलोड हो पाएगी। अब हम फोटो की साइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे इमेज की साइज पर जाते हैं और यहां पर आपको दिखा देता हूं। वेडिट में आप देख सकते हैं 1134 पिक्सल में है और हाई यहां पर आप देख सकते हैं 542 पिक्सल। आपको इन दोनों चीजों को आपको मिलान कर लेना है एक बार और। 1134 पिक्सल एंड हाई आप देख सकते हैं 542 पिक्सल और नीचे आप देख सकते हैं रेगुलेशन 72 मतलब 72। इन दोनों की रेगुलेशन सेम है, वैसे इन दोनों चीजों की साइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से एक बार और देख लीजिएगा इनकी सही साइजिंग क्या है। तो चलिए मैं जो है आपको मेन जगह जहां पर मैंने इसे सेव किया है उसकी साइजिंग यहां पर आपको दिखा देता हूं क्या है। इसको पहले प्रॉपर्टीज पर जाकर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इमेज की साइज है यहां पर 74 KB और JPG फॉर्मेट में, क्योंकि JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा। और इमेज की साइज दिखा देता हूं, जो सिग्नेचर मैंने यहां पर बनाई है उसको प्रॉपर्टीज में दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका टाइप है JPG फॉर्मेट में और इसका जो है साइज यहां पर आप देख सकते हैं 47 KB में है। तो इनकी दोनों की साइजिंग सही है, मतलब इन दोनों चीजें मैं अपलोड करके आप दिखाऊंगा कि ये जो सही साइजिंग है ये अपलोड हो रही है या नहीं। वैसे तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है, इन दोनों को अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए मैं पोर्टल पर चलता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए चूज फाइल का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप जो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मैंने जो इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर दोनों चीजें यहाँ पर आपके सामने शो करी। सबसे पहले फोटो अपलोड कर लेते हैं, सिंपली मैंने जो फोटो पर क्लिक किया इसके बाद ओपन, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड का ऑप्शन है। सिंपली आप जो इस पर क्लिक कीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो जो है फाइनल तरीके से अपलोड हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने जो है इस पर टिक किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर की फाइल अपलोड करना है। तो सिंपली मैंने जो इस पर क्लिक किया तो ये रही सिग्नेचर, सिंपली मैंने जो इस पर क्लिक किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक किया। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड का ऑप्शन है, सिंपली आप जो इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपके सामने इस तरीके से जो है सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगी। मतलब ये कि अगर आप फोटो की सही साइजिंग वगैरह बनाते हैं या सिग्नेचर की सही साइजिंग बनाते हैं तो इसी तरीके से आप जो है अपलोड कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से साइज वगैरह बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को समर्थन कीजिएगा लाइक करके और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव है तो जरूर ही मुझे कॉमेंट सेक्शन पर पूछना, बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।